लेह वाला देखा यो तो एक जोड़ पकड़ है पकड़ है जो भाई खैर बच्चे में स्वच्छ लाल बच्चा बहुत ज्यादा ਰਮਨ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਚੌਪੜੀ ਚ ਰਹੇ ਰਹੇ ਸੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਨਾ ਅੱਜ ਹੀ ਦੱਸੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਤੁਸਰਾ ਨਾਂ ਕਿਦਾ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਜਾਣ ਪਛਾਣੀ ਕਿ ਐਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਤਾਂ ਸਹਾਰਾ ਕਿ ਕਿ ਆਪ ਜੋਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਰਹ ਰਹੇ ਹੋ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਜਦਾ ਦੇ ਮੁਕ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਮਾਣ ਹੈ फिर मैं रहने से ये होता है कि आपको घर वालों की भी सपोर्ट नहीं होती आपको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है आ, तो उसके बाद जब मैं अंडर सिक्सटीन ऑस्ट्रेलिया का टूर किया मैंने तो घर वाले भी इतने खुश हुए तो काफ़ी भाइयों की घर वालों की भी सपोर्ट थी साथ अभी अपनी जगह ठीक थे क्योंकि वो कहते थे कि कुरान फस बने यहाँ पे हमारा हम गरीब लोग थे मेहनत मजदूरी के सिलसिले में यहाँ पर आए हुए थे तो वाले साहब ने कहा कि हम गरीब लोग हम झूमपड़ियों में रहते हैं यहाँ पे मसन कैसे आगे जाएंगे मुझे यकीन था क्योंकि यकीन ऐसा था कि जमान के पास टैलेंट था सबों खुश है बहुत शुक्रिया अदा करना अल्लाह ताला उसके और भी हिम्मत तोफीक देवे साढ़े पूरा ख़ानदान बो बड़ा इज्जत बढ़िया ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी सब तक न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद नदीम चौधरी हमारी कोशिश होती है कि हम हर आपको नई चीज़ दिखाएं, ऐसे लोगों से आपको मिलाएं जो हमारे मुल्क व कौम का एहसास होते हैं आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे आज़ाद कश्मीर के इलाके चक्सवारी से तलक रखने वाले जमान खान से जो झोंपड़ी के अंदर रहते थे मगर जब अल्लाह ताला किसी इंसान की तकदीर बदलता है तो फिर देर नहीं लगती ये इस वक्त हम जमान खान के मामू के घर के बाहर मौजूद हैं हम चलेंगे उनके घर के अंदर और उनसे मुलाकात करेंगे और उनसे जानेंगे कि इस मकाम पर पहुंचने के लिए उनको किस कदर मेहनत कर करनी पड़ी और आज वो कैसा महसूस कर रखे हैं इस वक्त हम जमान खान के मामू के घर के अंदर इस वक्त मौजूद हैं तो हमारे साथ जमान खान के जो भाई हैं वज़ीर खान वो हमारे साथ इस वक्त बैठे हुए हैं उनसे बात करेंगे वज़ीर खान ये बताएं कि जमान खान आपका छोटा भाई है तो कैसा महसूस कर रहे हैं उनकी कामयाबी पर और सबसे पहले हमें यह बताएं कि आप बेसिकली कहाँ के रहने वाले हैं और यहाँ कितने अरसे से रह रहे हैं बेसिकली तो अलहमदिल्ला वैसे वजीरस्तान के रहने वाले हैं वजरस्थान जनूबी वजरस्तान के रहने वाले हैं तो यहाँ पर तकरीबन तीस पैंतीस साल से हमारे वालद यहाँ आज़ाद कश्मीर आए हैं यहाँ पर मसला मेहनत मजदूरी के सिलसिले में तो ज़मान भी माशा यहाँ पर पैदा हुआ है यहाँ की पैदाश है हमारी पैदाइश भी यहाँ कश्मीर की है तो यहाँ से ज़मान ख़ान को वालद साहब ने मदरसे में दाखिल कराया कुरानी फस के लिए तो वहाँ पे जो जब ये तफरी का टाइम होता था जमान के पास मसन टेप बॉल गली में खेलता था तो उसके पास स्पीड थी पेस अच्छी थी उसके पास यहाँ पे जो छोटे मोटे टूर्नामेंट होते थे टेप बॉल के तो वहाँ पे इसने परफॉर्मेंस की है मसा इसके स्पीड थी 145 प्लस उसकी मसा बॉल थी स्पीड थी उसके पास तो मीरपुर के हमारे दोस्त है फारूक भाई हमारे मसन ईगल स्टार के जो ओनर हैं मसान आफाक भाई हैं फात भाई हैं नासिर भट्ट साहब हैं उन्होंने हमारी सपोर्ट की उन्होंने कहा कि जमान खान के पास पेस है स्पीड है टैलेंट है इसमें इसको आगे लेके हैं उस वक्त है, यहाँ पर रीजन था अंडर सिक्सटीन का मेरपुर की तरफ से तो वहाँ पर ने ट्रायल दिए वहाँ पर ट्रायल में पास हुआ तो नादरन की तरफ से ज़मान सेलेक्ट हुआ नादरन में उसने अच्छी परफार्मेंस की आस्ट्रेलिया टूर था पाकिस्तान का तो पाकिस्तान टूर पे सेलेक्ट हुआ जमान खान तो वहाँ भी माशाल्लाह आस्ट्रेलिया टूर पे गया वहाँ भी अच्छी उसने बॉलिंग की है तो अल्हमदा उसके बाद अंडर 19 टी ट्वेंटी मसाला नेशनल टी ट्वेंटी कप है जो के पी एल था वो खेला उसने तो अलहमदिल्ला पी एस एल में सेलेक्ट हुआ बाकी पी एस एल के जो मसला रिज़ल्ट वो आपके सामने जो उसने परफॉर्मेंस दिया तो इन शाला आने वाले वक्तों में अजमान खाना पाकिस्तान का नाम भी इन रोशन करेंगे जब भी उसको मौका मिलेगा ये बताया कि जब लाहौर केलंदर की के जो इंतज़ामिया है वो ट्राफी लेकर आपके घर पहुँची तो उस वक्त आप कैसा महसूस कर रहे थे खुशी हुई अलहमदिल्ला क्योंकि हमारे यहाँ जब जो चैम्पियन ट्राफी थी वहाँ उसके साथ एड कोच जे मस आ, कब जावेद साहब थे आताफराना साहब थे स्मिन साहब थे तो हाँ हमारे घर आए हमें इज़्ज़त बख्शी है तो ज़ाहिर खुशी हुई है पूरी चकसवारी पूरे कश्मीर के लोगों को खुशी हुई है कि जो चैम्पियन ट्राफी थी वो हमारे घर पर आई तो इन शाला आगे आने वाले वक्त भी जमान इन शाला लाहौल कलंदर की टीम में परफॉर्मेंस करेगा इनशा तो आइंदा भी इन शैपियन ट्राफी जीतेंगे और आइंदा भी इन शाला दोबारा फिर हमारे घर हैं चैम्पिनिय ट्राफ़ी आएगी इनशाला ये बताएँ कि जमान आपसे छोटा था जब वो बचपन में क्रिकेट खेलता था तो आपके जो वालद थे वो उसको हाफज क्राउंड बनाना चाहते थे तो उस वक्त आप उनको रोकते नहीं थे कि आप क्यों अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं तो आप पढ़ाई की तरफ दें आप किस तरफ जा रहे हैं ज़ाहिर वालद साहब तो उनको कुरान फज बनाना चाहते थे वालद साहब भी अपनी जगह ठीक थे क्योंकि वो कहते थे कि कुरान फज बने यहाँ पे हमारा हम गरीब लोग थे मेहनत मजदूरी के सिलसिले में यहाँ पे आए हुए थे तो वालद साहब ने कहा कि हम गरीब लोग हम झूमपड़ियों में रहते हैं यहाँ पे मसा कैसे आगे जाएंगे मुझे यकीन था क्योंकि यकीन ऐसा था कि जमान के पास टैलेंट था कुछ मेरे पर के दो जो यार दोस्त लोग थे उन्होंने सपोर्ट किया है तो अलहमदिल्ला बाकी रिज़ल्ट मेहनत करनी चाहिए अगर आप में टैलेंट है तो आप मेहनत करें जो इन जो बंदा मेहनत करता है उसको फल ज़रूर मिलता है आप ये पैगाम देना चाहते हैं कि आपके हालात जैसे भी हों लेकिन आपको मेहनत करना चाहिए आप चाहे झोंपड़ियों के रहने वाले हों लेकिन आपके अंदर जो टैलेंट है वो होना चाहिए और आपने जो मेहनत और कोशिश है वो जारी रखनी है जी बिल्कुल कश्मीर के और भी लोग भाई दोस्त बहुत ज़्यादा हैं जिनमें टैलेंट है क्योंकि वो सिर्फ ये क्या है सोचते हैं कि हमारे पास टैलेंट है आगे हमारी सिफारिश चलेगी ये होगा वो होगा जिनमें भी टैलेंट है जितने भी मेरे दोस्त जो मुझे लाइव देख रहे हैं या मसा जो मेरे वीडियो देख रहे हैं तो सबसे मैं कहना चाहता हूँ अगर आपके पास टैलेंट है और आप मेहनत करें इनशाला अपने टैलेंट को ऊपर लेके आएँ तो इनशाला जरूर आपको मौका मिलेगा इनशाला आप आप भी पाकिस्मान की तरह खेल सकते हैं इन शी बिल्कुल जैसा कि आपने इनकी गुफ्तु सुनी है कि अगर कोई भी इंसान जिसके अंदर टैलेंट हो तो वो मेहनत करे तो उसकी जो मेहनत है वो रेगा नहीं जाती हमारे साथ दिगर लोग भी मौजूद हैं उनसे भी बात करेंगे कि जमान खान की इस कमयाबी के ऊपर वो किस कदर खुश है झोंपड़ी में रहने से ये होता है कि आपको घर वालों को भी स्पोर्ट नहीं होती आपको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है तो उसके बाद जब मैं अंडर सिक्सटीन आस्ट्रेलिया का टूर किया मैंने तो घर वाले भी इतने खुश हुए तो काफ़ी भाइयों की घर वालों की भी सपोर्ट थी साथ तो उसके बाद अलहमदुल्ला वालदेन की दुआएँ थी काफ़ी फैंस है जो उनकी भी दुआएँ थी तो अलहमदुल्ला उसके बाद मैं के पी एल खेला के पी एल में भी परफॉर्म किया तो अलहमदिल्ला मेरा लाहौर कलंदर में नाम आया तो काफ़ी लोगों की दुआएँ थी उसमें भी अल्लाह ताला ने कामयाबी दी पी एस एल में तो बेस्ट बॉलर भी है मर्जिंग तो मुझे बहुत खुशी है अलहमदिल्ला और आइंदा आने वालों पर वक्तों पर मैं इन मेहनत करूँगा और वालदेन की इसी तरह दुआएँ साथ रहेंगी तो इन पाकिस्तान भी खेल जाऊँगा भाई आप बचपन से ही आपको शौक़ था क्रिकेट खेलने खेलने का इस जगह पर आप पहुँचे हैं यहाँ पर पहुँचने के लिए किसके मेन करदार है किन लोगों की मेहनत है यहाँ तक आपको पहुँचाने में जी बिसमिल रहीम सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ जी मुझे बचपन से शौक़ था गलियों गली में टे बॉल से मैंने क्रिकेट स्टार्ट की थी आ, उसके बाद आ, ट्रायल हुए मीरपुर में अंडर सिक्सटीन के तो अलहमदुल्ल मैंने ट्रायल दिया वहाँ पर तो मैं सिलेक्ट हुआ तो उसके बाद मैंने अच्छे क्लब ज्वाइन किए मीरपुर में तो अल्हदुल्ला कोचज़ ने काफ़ी सपोर्ट की तो मैंने तीन साल नादर से भी खेला अंडर सिक्सटीन पाकिस्तान भी खेला हूँ तो अलहमदिल्ला तो लाहौर कलंदर वालों ने मुझे ड्राफ्ट में नाम लिया मेरा और उसमें परफॉर्म किया तो अलहमदिल्ला रिजल्ट सब सब आपके पास और भाई कैसे महसूस कर रहे हैं कि आप इस वक्त ये झोंपड़ी में आप रहते थे तो यहाँ पर आपका उस वक्त नाम भी लोग नहीं जानते थे अब पूरी दुनिया में आपका एक नाम है लोग आपको जानते हैं और आपसे पहले की नस्बत आप जो आपके जो देखने और सुनने वाले चाहने वाले हैं वो भी उनमें भी इजाफा हो चुका है तो कैसा महसूस करते हैं जी ये कि जब क्लब लेवल होता है शुरू से घर वालों की भी इतनी सपोर्ट नहीं होती आपके पास तो अल्हम्दुलिल्लाह घर वालों ने भी मुझे सपोर्ट किया उसके बाद जब मैं बड़े लेवल पे गया तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे तो इसी तरह मैंने मेहनत की तो लाहौर कलंदर वालों ने भी अल्हम्दुलिल्लाह आकिब जावेद ने तो उन्होंने भी तकरीबन इतनी मेरी सपोर्ट की तो अल्हम्दुलिल्लाह जब शाहन भाई भी साथ थे तो उन्होंने भी इतना सपोर्ट किया तो इतना परफॉर्म हुआ लाहौर कलंदर में तो हम ट्राफ़ी भी जीत गए अल्हम्दुलिल्लाह तो जहर आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो हमारे आज़ाद कश्मीर के नौजवान जी आ, मैसेज ये देना चाहता हूँ कि आप भी मेरी तरह कोई क्लब या अकेडमी ज्वाइन करें और उसमें मेहनत करें दिल ना छोड़ें तो मेहनत करेंगे इन तो मेरी तरह आपको भी पल मिल जाएगा सबों खुश है बहुत शुक्रिया अदा करना अल्लाह ताला उसकी वोर भी और भी ये मैं तोहफीक दे सदान बहु बड़ा इज्जत बने और बौ सारा एक नहीं जितना साढ़ी फैमिली है और जितना सड़े पठान है जो अपना रिश्तेदार है सारा खुश है और अल्लाह की कसम है सब ये मैं नहीं बोलना अपने को जिते जितथे मैं गया इस तारीफा चलने इसने रिकॉर्ड है तो शुरू शुरू में जब जमान खान क्रिकेट खेलते थे स्कूल के में, स्कूल के दौर में यम में, उस तरह में उनका दिल नहीं लगता था। तो उस वक्त आप उनको क्या कहते थे कि... से कि पते नहीं है इस मुकाम पर जाएगा मदरसे ने ता तालीम ने इसकी तरह से पते ही नहीं से भाई इतना अल्लाह तकाम इतने मुकाम देसी असाखण ताला वो इस मुकाम दे वो अल्लाह इसकी दर्जा बुलंद करे इस वक्त जमान खान के मामू के जो बेटे हैं हमारे साथ मौजूद हैं कैसा महसूस कर रहे हैं जी जमान ख़ान का नाम इस वक्त जो पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं उनमें लिया जा रहा है और पूरी दुनिया में इस वक्त जमान ख़ान का नाम लिया जा रहा है और आपकी इस वक्त पहचान बन चुका है आपको कैसा लग रहा है जी माशाला हमें बहुत खुशी है और जमान खान पर हमें फ़हर है कि अल्लाह करे उसे और कामयाबी मिल जाए वक्त हमारे साथ जमान खान के मामू मौजूद हैं उन्होंने गल करसा अपनी जबानी के जमान खान ना इसलै पूरी दुनिया ही क्या जा लगना कि जमान खान ट्रैफिक नहीं तो इतना आया लोअर कलंदर नहीं तो हर पास है उसने चर्चे से तह जी खुशी महसूस हो खुशी है अल्लाह पा जमान खान कामयाब करे दवा करना यही है कि अल्लाह पाक सूरे ख़ानदान के कामयाब करे अल्लाह पाख सारे इस्लाम कामयाब करे सारे कश्मीर के कामयाब करे अल्लाह का सारे कामयाब करे खुशी हमके। तो ये तुस झोंपड़िया रेहने किता सोच नहीं कि इतना बड़ा ना सच्चा है उसने उस बंद उसने समान खान नहीं पहचान बनसी सदाननी बस ये रबू काम पहचान रघु कम कामजाब किता चली गया कम समझाया गया तो ये अल्लाह ने कम है زارځه زین ویشتنی زمون خان کا مېو ګمرالانه دوا ته پیو ما پیو نه دواه ما مېنو د دواه ان دوا کی ته زبانال سرکړ د دوا نه الله په کامیاب کیتا जे जमान खान ने जे मामू एने कि जानकारी इंतहाई खुशी महसूस होगी अल्लाह तालत इज्जत देनी उस भी बंद मेहनत तो करना तो उस कमयाब जरूर करना साल एक और पाइर भी मौजूद है क्या नाम है जी रोज़ी खान रोज़ी खान जमान खान क्या लगना फुप्पो ना बेटा तो क्या महसूस करने जमान खान की इसलिए ध्यान मिलने लोगों लेन लगे होनिया तो हर पास जमान खान ही होना तुस ने अंदर के सोच अचान क्या महसूस करने जमान खान एक जहाँ ना है खानदान एक रोशन सितारा बनी गया जी शुक्र अलहमदुल्ल ब खुशी होनी है जमान ख़ान आसने चकसुरे ना स्टार है दुआ करने उसके अल्लाह पाक मजीद कामयाबी दें ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਦੀ ਜਾਣੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜ਼ਮਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ੌਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਤੇ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਆਖਣੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨ ਖਾਨ ਆ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਸਨਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਉਸਨੇ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਹੋ ਸੋ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣੇ ਸਤੇ ਅਸ਼ਨੇ ਹੋ ਸਰ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਤੱਕੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਨਾ ਮਿਲਣੇ ਸਤੇ ਅਸ਼ਨਵਾ ਜੇ ਅਸਾਂ ਫਖਰ ਕਰਨੇ ਆ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿ

पहले इतने साल इतना रोक इसलिए जिधर जाने होता है, जमान खाना ना लोगों को पुशने खुशी है जितना कबीला है सब खुशी है अस बहुत खुश है जमान पर पूरा पाकिस्तान पर खुशी बनी गया। आज हमने आपको दिखाया है कि जमान ख़ान का तलक किस जगह से है और उनसे बात करके हमने तमाम तर जो तफसील है आपको बताई है कि उनके जो फैमिली के मेम्बर हैं वो किस हादत तक खुश हैं और जमान ख़ान को उनके जो वालद हैं वो क्या बनाना चाहते थे और शुरू शुरू में उनको किन मुश्किल का सामना था यकीन आज की जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी कि कोई भी इंसान उसके अंदर अगर टैलेंट हो तो चाहे वह झोंपड़ियों में रहने वाला हो या किसी मैल या बंगले में रहने वाला हो अगर उसके अंदर टैलेंट हो तो वो अल्लाह की जात उसको कामयाबी जरूर देती है आज की वीडियो आपको यकीन पसंद आएगी